गेम छो कच्छ जलसा जलसा चालू छे બહુ બહુ આભાર અશોકભાઈનું મહેશભાઈનું ગુજરાત મે બડી ખાસ બાત હૈ યહાં કી હવા મે યહાં કે પાણી મે યહાં કે વાતાવરણ મે સબ જગહ પૈસા ઓર બિઝનેસ દો ચીજે મતલબ ઇસકી કહીં કભી કોઈ કમી નહીં દીતી ગુજરાત મે અબ મુજે जब अशोक भाई ने इन्वाइट किया वाइब्रेंट गुजरात के लिए तो उन्होंने मुझे बोला कि भाई आपको वहाँ आकर स्पीच देनी और ये बताना है कि भाई पैसा कैसे कमाया। मैंने मुझे सुनने के लिए बुला रहे ये स्पीच देने के लिए, ये तो मुझे आपसे सीखना चाहिए कि पैसा कैसे कमाएं, बिजनेस कैसे करें, क्योंकि ये तो आपके डीएनए में कि बिजनेस कैसे किया जाए। मैं भी वही बात कर रहा था कि एक जो बड़ा फर्क है विद ड्यू रेस्पेक्ट टू ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ इंडिया, आप टिपिकली नॉर्थ में जाइए, दिल्ली, यूपी, बिहार, मेरे बहुत दोस्त लोग हैं वहाँ, जब शाम को आप मिलेंगे पानी की दुकान पर मोहल्ले में तो बात होगी कि ट्रंप ने क्या गलत किया, मोदी जी ने क्या सही किया, देश दुनिया में राजनीति में क्या चल रहा है, ये सारा डिस्कशन हो रहा है। और ये आप कहीं राजकोट में पहुंच जाइए, बड़ौदा में पहुंच जाइए, इसने उधर फैक्ट्री लगाई, उसने वहाँ प्लॉट इतने में बिक गया, एक टू व्हीलर का नया शोरूम खुल गया, दिस इज द डिफरेंस। और इसलिए जब भी मुझे कभी कोई गुजरात से इन्विटेशन आए बात करने के लिए तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है और मैं आना पसंद करता हूँ, इसलिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया मुझे दिलाने के लिए। मुझे दो चीज़ों पर बात करनी है, एक तो नए बिजनेस आइडियाज पर और दूसरा इकोनॉमी का हाल जो अभी है। हाल तो मैं आपकी शक्ल देख के पता लगा लूँगा, सब मुस्कुरा रहे हैं, तो इसका मतलब गुजरात है ना देश की इकोनॉमी की सही तस्वीर नहीं दिखाता, सब चंगा सी। ओके, लेकिन चलिए पहले कुछ नए बिजनेस आइडियाज पर बात करते हैं। आप अपने आप को पूछिए बिजनेस करने का सबसे मुश्किल वक्त कौन सा है? अभी इस वक्त, और स्पेशली नया बिजनेस करना हो तो, राइट? अब है ना, एक काम करिए, घर जाइएगा, अपने पिताजी को पूछिएगा बिजनेस करने का सबसे मुश्किल वक्त कौन सा। बोले बेटा तुम्हारे जमाने में तो बड़ा आसान है, हमारे जमाने में बड़ा मुश्किल था। और अपने बेटे को भी पूछ के देख लीजिएगा, वो कहेगा पापा आपके जमाने में बड़ा आसान था, कंपटीशन नहीं था, कुछ नहीं था, जो आप बोल रहे थे जो बेचते थे पता भी नहीं चलता, आज तो गूगल में पता चल जाता कि इस स्टोर में क्या बिक रहा है, पास वाले स्टोर में क्या प्राइस है, हमारे जमाने में बड़ा मुश्किल था। तो तीनों जनरेशन की ओपिनियन अपनी अपनी है, मतलब ये कि बिजनेस करना हर वक्त उतना ही मुश्किल है और उतना ही आसान भी। आपको ये डिसाइड करना है कि आपको ये मुश्किल लगता है आसान लगता है। मेरी स्पीच सुनने के लिए सबसे पहले मैं एक चीज आपसे जानना चाहूंगा, अच्छा पहले ये बताइए कि यहाँ कितने बिजनेस मैन है? सारे मेरे पेशेंट हैं। ओके, अच्छा आप में से कितने लोग कुछ नया करने के लिए तैयार है? अच्छा तैयार नहीं, चलिए नया सोचने के लिए तैयार, करना छोड़ दीजिए, नया सोचने के लिए तैयार है। हाँ, अब मजा आएगा। सबसे पहली कंडीशन, अगला एक घंटा जो आप मुझे देने वाले हैं, देखिए जिंदगी में आप किसी को कुछ भी दीजिए हर चीज की एक वैल्यू है, लेकिन अगर जिंदगी में आप किसी को टाइम देते हैं वो प्राइसलेस है, क्योंकि ये वो टाइम है जो आप एक घंटा अगर मुझे सुन रहे हैं तो जिंदगी में वापस नहीं आने वाला है। तो मैं आपके इस टाइम की कीमत अदा नहीं कर सकता कभी भी और कोई भी नहीं, इसलिए मैं ये चाहता हूं कि अगला एक घंटा आपके काम का हो, कुछ ऐसी चीज आप सुने समझे जो आपके लाइफ में काम आए। और उसकी सबसे पहली कंडीशन ये है
क्या आप अपने बिजनेस से सेटिस्फाइड हैं, हाँ या ना? कितने लोग सेटिस्फाइड हैं? अच्छी बात ये कि ज्यादातर लोग सेटिस्फाइड नहीं है, मुझे ऐसे ही लोग चाहिए जो सेटिस्फाइड है। उनके भी काम का है, उनके इसलिए काम का है कि लाइफ में सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है, जब आप सेटिस्फाइड होने लगते हैं तो आपकी ग्रोथ रुक जाती है। ग्रोथ की भूख ये होनी जरूरी है। लालच और भूख में फर्क, मैं भूख की बात कर रहा हूं, लालच की नहीं, राइट? तो हमें ग्रोथ की भूख होनी चाहिए, हमेशा रहनी चाहिए। जो सेटिस्फाइड है वो और ग्रो करने की सोचे, जो सेटिस्फाइड नहीं है उनके लिए अब पहली चीज, जब आप सेटिस्फाइड नहीं है तो ही आप कुछ और नया करने की सोचेंगे, और जब और नया करने की सोचते हैं तो सबसे पहले आपके दिमाग में एक चीज आती है, क्या इस उम्र में अब, क्या आपसे बहुत सीनियर है, काफी लोग मुझसे ज्यादा उम्र में होंगे, क्या इस उम्र में, एज इज जस्ट नंबर, इस उम्र में भी आप नया कर सकते हैं, नया सोच सकते हैं। और बिजनेस करने का आइडिया बहुत ईजी है, बहुत ईजी, करना मुश्किल है, मैं मुझे आइडिया देने करना आपको है, तो आइडिया तो मैं बहुत इजीली आपको दे सकता हूं। सबसे इजी आइडिया क्या है बिजनेस करने का? आज के जमाने में दुनिया में सबसे बड़ा बिजनेसमैन कौन है? अमेज़न, राइट? आप सब लोगों ने अमेज़न सबने एक्सपीरियंस किया है ना, राइट? तो सबसे आसान काम क्या है, वो बिजनेस करो जो अमेज़न कर रहा है, राइट? अमेज़न सबसे सक्सेसफुल बिजनेस में है, दिमाग क्यों लगाना है? अगर वो कोई बिजनेस में है, सपोज अमेज़न कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट बेच रहा है, कुछ और सर्विसेज दे रहा है, हम भी वही कर रहे हैं, क्यों सोचना है? इजी है ना, लेकिन अगर अमेज़न जो कर रहा है वही आप करेंगे तो कॉम्पिटिशन किससे है? आप टिक सकते हैं क्या उनके सामने? आइडिया गलत ना, ये आइडिया ठीक नहीं है। तो जो बिजनेस अमेज़न कर रहा है वो आइडिया कट करते हैं। तो फिर दूसरा आइडिया क्या है, वो बिजनेस करें जो अमेज़न नहीं कर रहा है ना, ये आइडिया ठीक है? किसने बोला अच्छा लग रहा है आइडिया, जरा बताइए। अगर जो बिजनेस अमेज़न नहीं कर रहा है इसका मतलब वो बिजनेस करने लायक ही नहीं, अगर वो करने लायक नहीं है तो फिर हमें क्यों करना है जब अमेज़न नहीं कर रहा। ये दुविधा आपकी लाइफ में हमेशा रहे। अब इस दुविधा के अंदर छोटी छोटी चीजें हमें लाइफ में ढूंढनी है, खुश छोटी खुशियां, छोटी चीजों में बड़ी खुशियां, छोटी चीजों में बड़े बिजनेस। जिंदगी में हम लोग ज्यादातर जैन हैं, आई एम श्योर 80-90% जैन होंगे। आमतौर पर हम लोग सब व्यसन से दूर रहते हैं, कोई बुरी आदतें लगते हमारे में नहीं होती, राइट? कुछ कुछ हो सकती है छोटी मोटी किसी आप में से किसी को कोई एडिक्शन है लाइफ में, कोई किसी कोई बुरी लत, कोई एडिक्शन कोई है किसी को? अब आदमी तो खड़ा नहीं करेंगे, कैमरा भी है, मुझे पूछते तो मैं भी यही कर रहा हूं। आप सबको एडिक्शन है, एक लत है, एक बुरी आदत है, किस चीज की? आज की तारीख में 6 महीने के बच्चे से लेकर 90 साल के बुजुर्ग तक के पास हिंदुस्तान में एक लत है, डेटा। ये लत किसी भी दूसरी लत से बड़ी बुरी है, बुरी नहीं होगा, बड़ी है, राइट? बिजनेस करने का पहला फॉर्मूला, वो बिजनेस करो जो लोगों को लत लगा दे। ऐसा होना चाहिए इस बार 8 बजे रिज्यूम में लेकर तो पेशे नहीं होनी चाहिए, है पेशे नहीं होती है, मजा तो करिए ना। तो पहली चीज बिजनेस करने की, कि बिजनेस वो करना है जिससे लोगों को लत लग जाए, आदत पड़ जाए कि नहीं ये तो चाहिए ही। और दूसरा बिजनेस करने का फॉर्मूला, माता जी यहां बैठी हैं, आपने अपने बच्चों को सिखाया होगा कि दाल कैसे बनाई जाती है, भिंडी में तड़का कैसे लगाया जाता है, ये सारी चीजें हमने सारी हैबिट सिखाई है ना हमारे बच्चों को, शादी करने के पहले कि भाई दूसरे घर जाओगे तो ये सीख लो, है ना? आज के जमाने में कोशिश करके देख लो सिखाने की, सब तो रेसिपी है गूगल पे, 1 मिनट में देख लूंगी बना लूंगी। और आजकल तो
वैसे प्रेशर कुकर आने लगे कि आप सब फिट करके रख दो और 3 मिनट में 5 मिनट में दाल बन के बननी होगी, बन जाएगी सारी। आपको ये भी पता है क्या क्या क्वांटिटी में क्या कितना डालना है, राइट। तो माता जी की हाथ की स्वाद अपनी जगह है, लेकिन स्वाद से जिसका लेना है भाई, मुझे तो काम करना है, करके दिखाना है। मुझे दाल बनाना आता है, दाल बनाने का ये फॉर्मूला है। क्यों पैकेज फूड इतने चल रहे हैं, क्यों आपको भिंडी कटी हुई खरीद के लानी है मार्केट से, इसका सिंपल फॉर्मूला है दूसरा। और वो फॉर्मूला ये है कि आप जितने ज्यादा लोगों को आलसी बना सकते हो बना दो, आलसी बना बना कर आप जो बिजनेस करोगे वो सक्सेसफुल है। किसी को मेहनत करने की इच्छा मुझे भी होती है, ईमानदारी से बताऊं, मजबूरी में करता हूँ, 5 बजे मजबूरी में उठना पड़ता है, वे जो है जाना है वो अलग बात है कि मैं मेरे काम को बड़ा पसंद करता हूँ, मुझे किक मिलती है उसमें, वो अलग बात है, लेकिन आमतौर पर है ना लोग मेहनत नहीं करना चाहते। तो दूसरा फॉर्मूला आपका ये होना चाहिए लोगों को कौन सा आप ऐसा बिजनेस जो आलसी बना सकते हो, फिर लोगों को लगता है यही ठीक है भाई, ये मुझे बड़े आराम देता है, तकलीफ नहीं, ये मैं कर सकता हूँ। तो वो लोगों को जब आपके उस प्रोडक्ट की या उस बिजनेस की आदत लगेगी तो आपके लिए रेडीमेड कंज्यूमर तैयार। और तीसरा फॉर्मूला, पहला तो दूसरा फॉर्मूला तो आपने लोगों को आलसी बना दिया काम करने की आदत में डालो, तीसरा जो और भी ज्यादा सक्सेसफुल है कि लोगों का सोचने ही बंद करवा दो, सोचने की आदत में डालो। जनरली हम लोग बोलते हैं मैं जहां भी कॉन्फ्रेंस में जाता हूँ लोग स्टॉक मार्केट में पूछते हैं, बस सवाल सिंपल है, 4-5 सवाल ही है, मतलब उस 5 सवाल में मेरी पूरी लाइफ निकल गई, अनिल जी क्या लूं, कब लूं, कितना लूं, कितना बढ़ेगा, कब तक बढ़ेगा, भाई यही तो 30 साल से नहीं समझ पाया हूं। मुझे 30 साल हो गए ये समझ नहीं आ रहा, तुझे 30 सेकंड में पता करना है। एंड एवरेज इन्वेस्टर डजंट वांट टू वर्क, फॉरगेट डजंट वांट टू वर्क, ही डजंट वांट टू थिंक इवन, लोगों को सोचना भी नहीं है। जब इंटेलिजेंस खत्म हो जाती है तभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आती है। फोन स्मार्ट हो रहे हैं और लोग स्मार्ट नहीं बने, राइट। जमाना कैसे बदलता है, एक सर्वे कर लूं, आप में से कितने लोगों के पास घोड़े हैं, घोड़े किसी के पास नहीं, घोड़ा गाड़ियां कितने के पास है, आज से 50 साल पहले चले जाइए, जिस आदमी के पास गाड़ी होती थी वो बड़ा होता था, जिस आदमी के पास कम पैसे होते थे उसके पास घोड़ा होता था, आज देख लीजिए जिसके पास ज्यादा पैसे वो घोड़ा रखता है, गाड़ी सबके पास है। इंक पेन किसके पास है, यहाँ पर सिर्फ एक है, शौकीन है आप सर। एक जमाना था जिसके पास बॉल पेन होता था वो लग्जरी होती थी, आज सबके पास बॉल पेन है, जिसके पास इंक पेन है वो लग्जरी, ये सब जमाना बदलता है। आप में से ठीक है छोटी जगह तो हो सकता है, यहाँ पर लोग काफी, कितने लोग हैं जो कपड़े सिलवा कर पहनते हैं, बहुत कम, यहाँ तो फिर भी मिल जाएंगे, आप थोड़ी बड़े शहरों में चले जाएं तो वहाँ सब रेडीमेड वाले मिलेंगे। और मेरे बचपन के वक्त ऐसा था कि रेडीमेड कपड़े महंगे होते थे, रेडीमेड कपड़े पहनना लग्जरी होती थी, आज उल्टा है, चीज़ें बहुत जल्दी बदलती है, और बदलती हुई चीज़ों में लोगों की प्रेफरेंसेस, लोगों का खर्च करने का तरीका क्या बदल रहा है, बस यही बिजनेस है। मेरे ज़माने में हर वक्त गर्मी की छुट्टियाँ आई, प्लानिंग ये होती थी कि इतने दिनों तक के लिए दादी के घर जाना है, इतने दिनों के लिए नानी के घर जाना है, करेक्ट। आपके भी हुआ होगा, जरा आप अपने बच्चों या पोते वगैरह हैं, पोते पोतियाँ, उनकी प्लानिंग कभी आपने देखी है क्या, इस साल सिंगापुर जाएंगे, इस साल यहाँ घूमने जाएंगे, इस साल दादी नानी वहाँ क्यों जाना है भाई, वो भी कोई जाना है। अपने आप देखिए लोगों का छुट्टियों मनाने का पैटर्न बदल गया, खर्चा करने का पैटर्न बदल गया। अगर आप 2 साल भाई साहब मत घुमाओ, देखें कोई फॉरेन ट्रिप नहीं लगे तो मतलब मेरे पिताजी ने तो जन्म लेके क्या किया है,
मतलब वही सर्टिफिकेट दे देंगे आपके बच्चे के, सबसे बेकार बाप यही है, मुझे 2 साल में एक फॉरेन ट्रिप नहीं करवा सकता। ये तरीका बदल रहा है लोगों का सोचने का, खर्चा करने का। अब इस बदले हुए तरीके में आपको बिजनेस ढूंढना है, सिंपल है। कबड्डी मजबूरी में खेलते थे ना सब लोग, खो खो कबड्डी, पैसे नहीं है क्रिकेट की बोल के, बैट नहीं होता था, वो तो हमारे जमाने में ऐसे होता, जिसके पास बैट होती उसी की बैटिंग पहले होती थी राइट सबके हुआ है। खो खो कबड्डी वो खेलते थे जिसके पास वो सितोलिया खेलने के लिए बॉल, वो बॉल भी नहीं बना सकते थे। आज कबड्डी देखिए कितना बड़ा बिजनेस है, और आप आराम से कबड्डी देख रहे हैं टीवी पर, मतलब करोड़ का बिजनेस हो गया। चीजें जो बदल रही है उसको पकड़ो। पिज्जा कितने लोगों को पसंद है? अच्छा मैं आपको 2 ऑप्शन देता हूं, आपको एक कच्छ का खाना खाना है, यहां का टिपिकल बढ़िया वाला जो शाम को अशोक भाई मुझे भी खिलाएंगे, वो कितनों को पसंद है? अपना ट्रेडिशनल कच्छ वाला खाना सबको पसंद है। अच्छा पिज्जा कितने लोगों को पसंद है? बस 2-4 ही। अब एक काम करिए, आप अपने घर जाइए और जब जरा अपने जो ग्रैंड किड्स हैं उनको पूछिए, पोते पोतियों को पूछिए या बच्चों को पूछिए, जितने हाथ आपके हैं ना कच्छ के खाने के लिए उठे हैं उतने पिज्जा के लिए। और पिज्जा क्या है? पिज्जा है क्या? जो बेस है वो रोटी है, जो आप घर में रोटी बनाते हैं वही रोटी है, ठीक है, बस मैदी की, आटे की जगह घी की जगह आप चीज लगा रहे, और सब्जी तो है ही, बस वो थोड़ी अलग विदेशी सब्जियां हैं देशी के बजाय, भिंडी तुरई नहीं डालते हैं, वो कैप्सिकम वगैरह जो भी डाल देते हैं, यही है। अगर यही डाइट रोटी सब्जी और घी के साथ बने घर पे, 50 रुपए की कॉस्ट है ना। और पिज्जा कितने का आता है? 500 रुपए का। आप में अगर है हिम्मत तो अपने पोते पोतियों को मना करके देख लो, पिज्जा नहीं खाओगे, फिर वही कहेंगे मेरे से बेकार दादाजी किसी को मिले नहीं, क्योंकि लोगों की आदतें बदल रही है। आप जानते हो 50 वाली चीज मुझे 500 में बेची जा रही है, लेकिन आप कुछ नहीं कर सकते, आपके हाथ में कुछ है ही नहीं। बिजनेस वही करना है जहां आप लोगों में से जब पढ़ाई की होगी आपने, पेंसिल का इस्तेमाल कितने लोगों ने किया है स्कूल में? सबने किया है, ये सवाल ही गलत है। ओके किस तरह से किया है? मैंने कैसे किया मैं बता दूं, लिखता था, बाद में इतनी सी पेंसिल रह जाती थी तो पीछे की दूसरी साइड से भी हम उसको छीलते थे, और उसके बाद भी है ना रिनोल्ड्स का टूटा हुआ पेन उसको पीछे लगा के लंबा करके, फिर जब तक इतनी सी न रह जाए, मतलब नौबत ये ना आ जाए कि अब नहीं चलेगा भाई, करेक्ट, रिफिल बॉल पेन में रिफिल नहीं बदलाई है ना, मतलब रिफिल खत्म हो जाती थी फिर दूसरी रिफिल आती थी। पिछली बार आपने बच्चों की छोड़ी है, आपने कब रिफिल बदलाई है? पिछली बार कब आपने पूरा पेन लास्ट मोमेंट तक, लास्ट ड्रॉप ऑफ इंक तक यूज किया है? पिछली बार कब आपके बच्चों ने एक सिंगल पेंसिल खरीदी है? बॉक्स आता है अब तो, राइट, आपको पता है इस बॉक्स में 12 पेंसिल है, ये 12 पेंसिल में से आधी पेंसिल भी यूज नहीं करेगा, 12 तो छोड़ दीजिए, 11 को तो वो शार्प भी नहीं करेगा, लेकिन आपके हाथ में कुछ है ही नहीं, आप बोल ही नहीं सकते कि बेटा तू 12 पेंसिल क्यों खरीद रहा, एक सिंगल लेके आ, बोला मेरा बाप कंजूस है। तो ये जो चीजें बदल रही है, ये जो लोगों का खर्चा करने का पैटर्न बदल रहा है, बस यही आपको पकड़ना है, कि जहां आपको पता है खर्चा अनाप शनाप हो रहा है, जहां आपको पता है वेस्ट हो रहा है, जहां आपको पता है कि आप कुछ नहीं कर सकते, और जहां आपको पता है कि अनाप शनाप पैसे बना रहे हैं, और जहां आपको पता है कि आपने कोशिश की तो घर में बगावत हो जाएगी, बस ये पैटर्न आप पकड़िए, यहां पर आपको नए नए बिजनेस आइडियाज मिलेंगे। लोगों को जहां खर्चा करना है, और स्पेशली इसमें भी वो बिजनेस आइडियाज आप देखिए जो नेक्स्ट जनरेशन के, आप अपने हिसाब से मत देखिए मैं क्या करता था वो तो इंपॉर्टेंट है ही नहीं, सबसे बेकार बात तो वही है मैं क्या करता हूं। अगर मैं वही सोच के बैठा रहूंगा तो मैं नोकिया हो जाऊंगा, कभी सैमसंग और एप्पल नहीं बन पाऊंगा, राइट, वक्त के साथ चीजें ऑब्सोलीट हो जाती, हम हो चुके, माने ना माने हम ऑब्सोलीट है।
नया क्या है? मैं तो ये कहूँगा आप अपने बच्चों को भी मत देखिए, उसकी नेक्स्ट जनरेशन देखिए। आपका ग्रेट ग्रैंडसन क्या सोचता है, एक साल का, छः महीने का, दो साल का बच्चा क्या सोचता है, उसको किस तरह के डायपर चाहिए? हमारे टाइम तो डायपर भी नहीं होते थे, लेकिन आज एडल्ट डायपर आ गए। तो चीजें जो बदल रही है, उस बदलती हुई चीजों में आपको देखना है कि अब देश दुनिया में क्या चलेगा, क्या चलेगा, उस पर फोकस करना है। लेकिन क्या चलेगा उसके पहले एक चीज पर और फोकस करते हैं, और वो क्या नहीं चलेगा। मैं हमेशा जहां भी स्पीच देने जाता हूं तो मैं एक ही बात करता हूं, जब लोग कहते हैं कि कहां पैसा लगाना है, मैंने कहा पहली चीज तो ये काम करो, कहां नहीं लगाना है वो डिसाइड कर लो, क्या नहीं खरीदना है वो डिसाइड हो गया तो आपका 90% प्रॉब्लम तो सॉल्व है। क्या नहीं लेना ये पता चल गया ना, तो अब आपको पहले ये पता करना है कि क्या नहीं करना है। वो कोई बिजनेस नहीं करना है, कम से कम नया तो मत करना, जो पुराना चल रहा है उसको भी धीरे धीरे बंद करो, जिसमें कैश ट्रांजेक्शन होते हो, ये नहीं चलेगा। धीरे धीरे आपके कैश ट्रांजेक्शन वाले बिजनेस हिंदुस्तान में बंद होने ही होने, आपको पक्के का ही काम करना पड़ेगा, ये फैक्ट है। आप माने माने ना माने, आप नहीं मानेंगे तो सरकार मनवा लेगी अपने तरीके से। भाई मेरी बात पसंद नहीं आ रही तो कोई ऑफिसर आके समझाएगा, फिर बाद में आएगा तो ही समझाने वाला कोई ना कोई, ऐसे समझ जाओ नहीं तो पैसे देके समझोगे। कई बार होता है बाबा रामदेव सुबह सुबह योगा करवाते हैं, मुफ्त में नहीं मजा आता है, योगा ट्रेनर दिन का 500 रुपये लेके जाता है उससे कर लेते हैं, जबकि वो बाबा रामदेव से बढ़िया नहीं जानता। लेकिन हमें आदत है भाई, जो पैसा लेता है वो बड़ा आदमी, वो बेहतर आदमी, तो आके कोई पैसा ले जाएगा इनकम टैक्स ऑफिसर, तब आपको समझ में आएगा। कैश वाले ट्रांजेक्शन्स वाले बिजनेसेस नहीं करने हैं, या अगर करते हैं मजबूरी है कि भाई ये इंडस्ट्री ऐसी है। कई बार मैं सूरत वगैरह जाता हूँ, पता चला वहाँ का टेक्सटाइल बिजनेस है, वो 80% कैश में ही चलता है, 80-20 स्कीम है वहाँ पर, 80% कैश 20% पक्का, तो वो 80-20% वाली 80-20 स्कीम बंद हो जाएगी। तो आपको वो बंद हो उससे पहले आपको सोच लेना कि मुझे क्या करना है, पॉइंट नंबर वन। पॉइंट नंबर टू, वो बिजनेस जो सिर्फ और सिर्फ टैक्स बचाने पर, टैक्स चोरी पर चल रहा है, वो नहीं चलेगा। अगर आपके बिजनेस में या आपने अंडर इन्वॉइसिंग की, ठीक है, आपने कहीं, अब तो वैसे GST आ गया तो चांसेस कम ही हो गए कि आप कहीं टैक्स बचा पाएं, फिर भी अगर आप कहीं टैक्स बचा कर वही आपकी कंपिटिटिवनेस है कि आप वही 5% 8% 10% वो बचा रहे हैं, वो पैसा बना रहे हैं बिजनेस में जो सिर्फ टैक्स की चोरी का है, वो बिजनेस बंद होना पक्का है, बहुत जल्दी हो जाएगा। दूसरी चीज, तीसरी चीज, आप में से कितने लोग, आपके पास जो मोबाइल फोन है उससे सेटिस्फाइड है, जो आप मोबाइल फोन यूज कर रहे हो उससे कितने लोग सेटिस्फाइड है, कितने लोग नया मोबाइल फोन खरीदने में एकदम कंफर्टेबल है? देखो, सेटिस्फाइड में मुश्किल से 10% लोगों ने हाथ खड़ा किया, और नया खरीदने में उसके भी 10%। एक मोबाइल फोन अगर आप एप्पल का यूज कर रहे हो और आपको सैमसंग का यूज करना हो, और एंड्रॉयड से इधर iOS में कौन, ये वो, बहुत झंझट है। पॉइंट सिंपल है, आपको एक चीज लाइफ में डिसाइड कर लेनी है, टेक्नोलॉजी आपको डर लगता है या आपको अच्छी लगती है, आपकी दोस्त है या आपकी दुश्मन। अगर टेक्नोलॉजी आपकी दुश्मन है और आपको उससे डर लगता है तो आप अपना बिजनेस अभी से समेट लो भाई, जो है बचा हुआ है वो ले लो, ये भी नहीं बचेगा, पक्के तौर पे नहीं बचेगा, मान के रखिए। टेक्नोलॉजी को आप दोस्त मत समझिए, दुश्मन मत समझिए, दोस्त समझिए, और टेक्नोलॉजी को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कीजिए बजाय डरने के। और ये मैं मोबाइल का एग्जांपल इसलिए दे रहा हूँ कि अब मतलब है ना, आजकल तो सबके फैमिली में व्हाट्सएप ग्रुप बन गए होंगे ना, और सबसे लास्ट में कौन ऐड होता है, अंकल, ताऊ, ये सब जो 50, 60, 65, 70 वाले, अब धीरे धीरे तो सब पहला स्मार्टफोन खरीद कर फिर वो एक ही वीडियो को 8 बार 10 बार भेजते हैं ना, दर 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 आ रहा है, कभी किसी और को भेजना, किसी और को भेज दिया। मजे लीजिए लाइफ में, आता है आने दीजिए, कम से कम ये तो सोचिए कि 60, 65, 70 में आदमी स्मार्टफोन यूज़ करने की सोच रहा है, ये बड़ी बात है।
तो टेक्नोलॉजी को लेकर अगर आपको डर है तो आपका बिजनेस कोई भी हो, कोई भी, मैं इसमें बोल रहा हूँ कोई भी बिजनेस ले लो, आपका आगे पीछे बंद होना पक्का है। तो पहली तीन चीज़ें मैंने आपको बता दी कि क्या नहीं चलेगा, वो बिजनेसेस जहाँ कैश ट्रांजेक्शन है, वो बिजनेसेस जो सिर्फ टैक्स चोरी पर है, और वो बिजनेसेस जिसमें टेक्नोलॉजी से आपको डर लगता है, ये चलने वाले नहीं है। क्या चलेगा अब ये इंपॉर्टेंट। उसके पहले आप में मुझे तीन चीजें चाहिए। कितने लोगों को लगता है कि उनके पास कॉमन सेंस है आप में से? कितने लोगों को लगता है कॉमन सेंस इज द मोस्ट अनकॉमन थिंग अमंग पीपल, जस्ट लाइक द चेंज इज द ओनली कॉन्स्टेंट थिंग। परिवर्तन होना ही फिक्स है बस, बाकी सब फ्लेक्सिबल है। ठीक उसी तरह से कॉमन सेंस सबसे मुश्किल चीज है जो हमें लगता है, लेकिन है नहीं। बिजनेस करने के लिए पहली चीज है कॉमन सेंस, और वो कॉमन सेंस आपको आता है दूसरी चीज जो है आपका आईक्यू लेवल, इंटेलिजेंस लेवल, आपकी माइंडसेट बिजनेस करने की। सिंपल चीज है, आपको मैथ्स क्यों पढ़ाई जाती है भाई? अगर बचपन में आपने है ना वो टेबल पढ़ी है, 1 से 50 तक की टेबल याद कर ली, ठीक है, सबने याद किए, किसने 20 तक की होगी, किसने 40-50, अपने अपने टीचर पे किसने किसको कितनी मार पड़ी उस हिसाब से सबने याद की हमने। मुझे ज़्यादा पड़ी थी, मैंने 50 तक की। 50 की टेबल के बाद आपके लिए मैथ्स लाइफ में भी कुछ काम आती है क्या? मैंने CACS ICW की डिग्री ली, क्या काम आती है? सिर्फ एक चीज आपकी डिग्री बताती है, आपकी एजुकेशन बताती है, आपकी मैथ्स बताती है, वो ये कि आपका आईक्यू लेवल क्या है, आपका इंटेलिजेंस लेवल क्या है, इसलिए ये पढ़ाइयाँ हैं। नहीं तो आज IIT में जिस लेवल की मैथ्स पढ़ा रहे हैं वो कहाँ काम आती है भाई, बहुत कम। लेकिन क्यों? उससे आपका दिमाग खुलता है, आपका इंटेलिजेंस लेवल बढ़ता है, तो आपकी शार्पनेस, आपका इंटेलिजेंस लेवल। और तीसरी चीज जो आती है वो है आपकी कैलकुलेशन, कैलकुलेटिव होना बिजनेस के लिए सबसे जरूरी है। अगर आप हिसाब में कच्चे हैं, पैसे का हिसाब नहीं रखना जानते हैं, तो फिर आप बिजनेस नहीं कर सकते। ये चीजें तो आपको पता है, लेकिन ये सारी चीजें जब आपके पास है तो फिर आपको ये सोचना है कि अब मुझे किस तरह का बिजनेस करना है। किस तरह के बिजनेस में, जो सबसे पहली चीज मैं बता दूं, जो 3-4 फॉर्मूला मैंने बताए कि आपको लोगों को एडिक्शन कर दो, लोगों को सोचने पर मजबूर ऐसा कर दो कि लोग सोचे ना, आलसी बना दो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब एक एक करके चीज़ें देखिए। पहली चीज, लोगों की चेंजिंग हैबिट्स पे फोकस करो। मैंने क्या किया उसको छोड़कर मेरी नेक्स्ट जनरेशन और उसके आगे की जनरेशन कहाँ खर्चा करने वाली है, उस पर फोकस करिए। एक चीज़ समझ लीजिए, हम उस जमाने से निकल चुके हैं जिस जमाने में हमारे पिताजी, हमारे दादाजी हमें यह समझाते थे, बेटा देखो 100 कमा रहे हो, पहले तो 40 बचाओ, फिर 60 खर्चा करो। अब जमाना मेरे टाइम पे वो आ गया कि यार 100 कमा रहे हो, 80-90 तक खर्च कर लो, बहुत जरूरत है 100 भी कर लो, उधार मत लेना भाई, राइट? और अब जो नेक्स्ट जमाना है, 100 कमा रहे हो और ये 100 में लाइफ लॉन्ग कमाता रहूंगा, अगले साल 110 कमाऊंगा, उसके बाद 120, उसके बाद तो 50 साल का होते होते मैं 5,000 कमाऊंगा 100 वाला आदमी, तो मैं क्यों ना अभी से ही 5,000 रुपए की 50 साल के बाद वाली कमाई पे लोन ले लूं। यही कैलकुलेशन है। तो आप देखिए, जहां 40 बचाने से लेकर 40% आप लोन लेने वाली सिचुएशन में आ गए, लेकिन अभी यही चलता है, इसीलिए होम लोन वाली कंपनियां चल रही है, इसीलिए पर्सनल लोन वाले बैंक चल रहे हैं, इसीलिए रिटेल लोन की सब बात करते हैं। तो अब अगर आप ट्रेडिशनल वही सेविंग वाले मोड में हैं ना, जहां लोग लोन ले रहे हैं, जहां लोग, इसीलिए माइक्रो फाइनेंस कंपनियां क्यों चलती है? गुजराती लोग, आपके पास पैसे की तो कमी है नहीं, आप उन लोगों को पकड़िए जिनको लोन चाहिए, माइक्रो फाइनेंस, इसीलिए ये बिजनेस चलता है। तो आपको ये देखना है कि लोन लेने के पहले, मतलब ऐसी सिचुएशन थी कि घर आपके कर्जा हो जाए सर पे, तो आपको नींद नहीं आती, और आप गली मोहल्ले में गाँव में बाहर निकले तो लोग देखते, अच्छा इसके ऊपर तो बड़ा कर्ज है, आजकल तो लोग चौड़े होके घूमते, बोले मेरा राइट है भाई, ये बैंक किस लिए खुले हैं, ये सारे किस लिए हैं, नहीं तो ये बंद हो जाएंगे मेरे चक्कर में। तो आपको वो देखना है
कि कहाँ चीज़ें बदल रही है और उन चीज़ों पर आपको अटैक करना। कोई भी बिजनेस जहाँ पर आमतौर पर हमें पहले कैसे समझाया जाता है, देखो भाई सबसे पहले तो है ना एक काम करते हैं, शॉप खरीद लेते हैं और उसमें बिजनेस चालू करेंगे। अब वो ज़माना अलग था जब शॉप के दाम कुछ अलग होते थे, आज ज़माना ऐसा है कि रियल इस्टेट के दाम कुछ अलग है। अब बिजनेसेस कौन से सक्सेसफुल हैं दुनिया में, सबसे सक्सेसफुल बिजनेसेस कोई बता सकता है कौन से हैं इस वक्त दुनिया में सबसे, बताएं? नाम कुछ सबसे सक्सेसफुल कंपनियों के नाम, अमेज़न और एप्पल और ओयो, ओला, अलीबाबा, बैंक, फेसबुक, गूगल, अमेज़न, ओयो, उबर, क्या आपको पता है इन लोगों ने बिजनेस में कितना पैसा लगाया है? किसी को आइडिया कि उबर के पास कितनी कारें हैं? एक भी नहीं। ओयो के पास कितने होटल्स हैं? ये बिजनेस मॉडल, एसेट लाइट बिजनेस मॉडल, जहां आपको पैसा लगाकर पैसा कमाना है तो फिर बड़ी बात क्या है? मजा तो तब है जब बिना पैसा लगाए पैसा कमाए। उसके लिए चाहिए एक आइडिया, राइट? वो आइडिया आपको क्रिएट करना है कि ऐसी क्या चीज हो सकती है जब बिना पैसा लगाए पैसा। मैं ये नहीं कहता कि हर आदमी फेसबुक और व्हाट्सएप बना सकता है, हर आदमी गूगल बना सकता है, वक्त के साथ ये भी चीजें बदलती है। SMS के पैसे लेती थी सारी टेलीकॉम कंपनियां, व्हाट्सएप में फ्री में, मतलब ऐसे ऐसे लोगों के होली दिवाली के मैसेज आते हैं और ए नाम पे ना, मतलब नाम रख के पिताजी ने बहुत गलत काम किया है, क्योंकि हर आदमी ऐसे शुरू करता है मैसेज भेजना, तो ए वाले के सबसे ज़्यादा आते हैं। और मैं जब कोशिश करता हूँ कि चलो रिटर्न करना शुरू करते, मैं ए से बी तक ही नहीं पहुँचता, दिवाली निकल जाती है, क्यों? मुफ्त में है ना, मुफ्त में। अगर आप ये लगा दो कि व्हाट्सएप पे 1000 मैसेज के बाद इतने पैसे लगेंगे, कल से सब बंद होगी, होली दिवाली जाने दो। तो ये चीज़ें जो है ना, आप एसेट लाइट बिजनेस मॉडल। अब अगर आप ये सोचते हो मैं शॉप खरीदूंगा, मुझे रेंट नहीं भरना पड़ेगा, मेरी खुद की प्रॉपर्टी है, वो चलने वाला नहीं है। जितनी कम एसेट्स आप रखेंगे उतना बिजनेस शुरू करने में आसानी है और उतना ही समझ गए, समझ तो गए होंगे आप बिजनेस बंद करना भी उतना ही आसान है। गांव छोड़ के भागना हो तो प्रॉपर्टी बेचनी ना पड़े। लेकिन बात यही है कि अब हिंदुस्तान में चीजें बदल रही है। पहले क्या होता था, हमारे यहाँ लेबर चीप था, रियल एस्टेट सस्ती थी। अब वो एडवांटेज हमारे से जा रहे हैं। जब वो एडवांटेज हमारे से जा रहे हैं तो फिर आपको वो देखना है कि कहाँ मैं कम से कम एसेट्स, कम से कम कैपिटल डाल के पैसा बिजनेस शुरू कर सकता हूँ। एक और बिजनेस जो लोगों की आदतों से जुड़ा हुआ है, खाने पीने से लेकर। देखो कुछ भी हो जाए दुनिया में खाना पीना बंद नहीं होगा, राइट? और खाने पीने की आदतें जो बदल रही है, ये देखो ये कलयुग में ही पॉसिबल है कि खाने पीने की चीज़ें, सब्जियाँ, फ्रूट्स रोड पे बिकते हैं ना रोड पे। और जो नहीं खाने वाली चीज़ें हैं, जूते, वो शोरूम में बिकते हैं, ऐसी शोरूम में। लेकिन अब वही है, जब चीज़ें आपकी चीज़ें बेचने और ख़रीदने का तरीका बदलता है, अब आपको पता है कि मुझे पैकेज फूड चाहिए, हर चीज़ में पैकेज, मतलब मुझे उस समय जब है ना वो मैगी में वो कुछ लेड वेड निकला था, मैंने कहा ये है ना फसाई वालों को बोला, मैंने कहा जल्दी से उसका डिसीजन दे दो, नहीं तो लोग आपको ही पीट डालेंगे, इतने मैगी के एडिक्ट हो चुके हैं लोग कि बिना मैगी में हम, मतलब आज के ज़माने में नेक्स्ट जनरेशन को पूछ के देखो, बिना मैगी ज़िंदगी जी सकते हैं क्या? पॉसिबल ही नहीं मैगी के बगैर। और यही हमारी दादी अगर सेवैयाँ बना के खिलाती थी तो कोई खाता नहीं, भागते थे, राइट? तो अब जब चीज़ें बदल रही, खाने पीने की आपकी हैबिट्स बदल रही है, पैकेज फूड, रेडीमेड फूड, मतलब मैंने ज़िंदगी में कभी नहीं सोचा था कि मैं स्पाइस जेट की फ्लाइट के अंदर ना वो गर्म पानी डाल के बिरयानी खा के आऊँगा, लेकिन खा रहे हैं हम, आदत बन गई है और वो बिजनेस चलता है। ये दूसरी चीज़ है जहाँ पर आपको फोकस करना। एक और चीज़ जो है
हिंदुस्तान में ना दो तीन चीजें ऐसी है जो कभी खत्म होने वाली नहीं है, जिसमें हम हमेशा खर्चा करेंगे, स्पोर्ट्स। स्पोर्ट्स से रिलेटेड जो भी बिजनेस आप करें, अब वो आप किस तरह का कर सकते हैं, कोई एक स्पोर्ट्स के इक्विपमेंट की शॉप आप खोलें, अगर आप कॉम्पीट कर सकते हैं ऑनलाइन वालों से, एक वो तरीका है। दूसरा, आप किसी तरह से एसोसिएट कर सकते हैं, कोई इवेंट मैनेजमेंट कंपनी ऐसी खोलें जो आपकी स्पोर्ट्स इवेंट करती हो, बड़े से छोटे हर शहरों में अब तो स्पोर्ट्स होने लगे, हर जगह की प्रीमियर लीग चालू हो गई, आप अपने हिसाब से करिए, आप कच्छ प्रीमियर KPL क्यों नहीं हो सकती, है ना, हर गली में उसके IPL के संस्करण आ गए, तो आप बिजनेस में किस तरह से स्पोर्ट्स के साथ बिजनेस को अपने आप को जोड़ सकते हैं, क्योंकि वो तो चलने वाला है। अब वो चाहे आप कबड्डी रखो, आप फुटबॉल रखो, आप बैडमिंटन रखो, आप क्रिकेट रखो, तो क्रिकेट से के साथ तो दो तीन सी ऐसे हैं जो चलते ही चलते हिंदुस्तान में, एक क्रिकेट है, दूसरा है सिनेमा, एंटरटेनमेंट। अब सिनेमा से मेरा मतलब है, एंटरटेनमेंट से मेरा मतलब है कि एनीथिंग एंड एवरीथिंग क्लोज टू एंटरटेनमेंट, वो आपका TV हो गया, वो आपका मूवीज हो गई, मूवीज से अब देखिए, अब एक ज़माना था सबसे ज़्यादा अगर कच्चे का पैसा दो नंबर का बिजनेस किसी इंडस्ट्री में चलता था तो वो सिर्फ और सिर्फ फिल्में होती थी, राइट। आज सारे फिल्म स्टार आकर, और जिस दिन फिल्म रिलीज हुई हम ही हमारे चैनल पे नेक्स्ट डे बता दें, इसने पहले दिन 118.72 करोड़ का बिजनेस किया, दो डिजिट के साथ आता है पॉइंट के बाद, इतना ट्रांसपेरेंट हो गया है। आप देखिए बिजनेस चेंज तरीके कैसे बदलते हैं, वो बिजनेस जो और एक और चीज मैं बताऊं, जो लोग अगर अभी भी ये माइंडसेट में बैठे कि मैं कच्चे वाला बिजनेस बंद नहीं करूंगा, मैं आपको फिर बोल रहा हूं, बिजनेस को आप ट्रांसफॉर्म करते हैं और ट्रांसपेरेंट करते हैं तो बिजनेस बढ़ता है, कम नहीं होता। इसका दूसरा एग्जांपल देता हूं, स्टॉक ब्रोकिंग में यहां पे काफी लोग होंगे ना, है ना, स्टॉक मार्केट से जुड़े हुए, आप खुद देखिए, एक जमाना था रिंग का, जब रिंग में आदमी सौदा करने जाता था, एक सब ब्रोकर होता था, पहले 2.5% वो ब्रोकरेज लेता था, 1.5% आपका ब्रोकर ब्रोकरेज लेता था, 12 से 2 घंटे रिंग खुली रहती थी, करेक्ट, 15 दिन का एक सेटलमेंट होता था, कई बार 2 सेटलमेंट क्लब हो जाते, आज शेयर बेचा 3 महीने बाद पैसे आएंगे नहीं आएंगे उसकी भी गारंटी नहीं, बेड डिलीवरी ये तो और अलग चीज़ें, लोगों को लगा कंप्यूटर आ गया सब ट्रांसपेरेंसी हो जाएगी, हमारे तो धंधे खत्म है, हम तो कमाई इसलिए रहे कि लोगों को पता ही नहीं चलता कि क्या भाव में शेयर खरीदा, क्योंकि अगर आपने किसी ब्रोकर को ऑर्डर दिया तो रिंग में सबसे ऊंचे भाव में जो छपा है भाव कॉपी में वो आपका बाय प्राइस, और जो सबसे नीचे वाला भाव है वो आपका सेल प्राइस, करेक्ट है, राइट। अब सब ट्रांसपेरेंसी, एक एक सेकंड की, मिली सेकंड की ट्रांसपेरेंसी की किस प्राइस पर सौदा हुआ है और वॉल्यूम कितने हैं, अनाप शनाप। तो ट्रांसपेरेंसी से बिजनेस बढ़ता है, कम नहीं होता, फिल्म इंडस्ट्री में भी देख लीजिए। तो अगर बिजनेस आपको कोई और सोचना है, मैं इसलिए आपको अलग अलग आइडियाज दे रहा हूँ कि हर एक के अंदर किसी कोई न कोई चीज़ करने की चाहत होती है, आपको बिजनेस फिर आपको हर आइडिया अच्छा लगेगा, यार अनिल जी ये बता रहे हो ये भी ठीक लग रहा है, ये भी ठीक लग रहा है, मैं कौन सा करूँ, वो मैं कौन सा करूँ उसके लिए आपके अंदर से आवाज़ आनी चाहिए। मैं सिंपल चीज, डू वॉट यू लव, लव वॉट यू डू। मेरी 50 साल की उम्र है, मैं आज भी रोज सुबह 5 बजे उठता हूँ, 5 घंटे सोता हूँ, और आप लोगों को कभी मेरे शो में कोई एनर्जी लेवल की कमी दिखती है क्या? क्यों? एक ही चीज से प्यार करता हूं सबसे ज्यादा, जो सामने एकदम बस खड़ा कर दो, अगर 103 बुखार भी है ना तो 3 घंटे तो नॉन स्टॉप बोल ही दूंगा। तो अगर आपको वो चीज करने को मिल रही जो आपको पसंद है, तो आपको लगेगा ही नहीं कि आप काम कर रहे हैं। तो अब आपके अंदर की इंस्टिंक्ट चाहिए कि मुझे क्या पसंद है, आपको जो पसंद है वो तो आप ही को पता चलेगा, मुझे कैसे पता चलेगा? तो मैं आपको अलग अलग आइडियाज बता रहा हूं, लेकिन आपके अंदर से ही आना चाहिए कि मैं ये चीज करूंगा तो मुझे मजा आएगा, और ऐसे बहुत सारे आइडियाज मिल जाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। तीसरी चीज ये कि कुछ ऐसे बिजनेसेस करो, स्पेशली छोटी जगहों में, जहां आप कस्टमर्स के पास डायरेक्टली पहुंच सकते हो। मैं आपको छोटे छोटे एग्जाम्पल बताता हूं, छोटे बिजनेस किस तरह से बड़ा पैसा कमा के दे सकते हैं। अब मैं मुंबई में रहता हूँ, मुझे नमकीन पसंद है, और नमकीन भी है ना, मुझे वही मेरे नेटिव प्लेस वाली चित्तौड़गढ़ की चाहिए, क्योंकि वहाँ की नमकीन का टेस्ट अलग, हर हर एक की जगह का आपका
आपको भावनगरी गाठिया चाहिए तो वही चाहिए, राइट, बाकी टेस्ट ही नहीं आएगा। क्या कोई मैं ऐसा बिजनेस मॉडल बना सकता हूँ कि जो मैं जिसको चाहिए मैं भावनगर से मंगा के मुंबई में सप्लाई कर दूँ? ऐसे ऐसे बिजनेसेस आ गए हैं। अगर आपको चाय पीनी है, मसाला चाय, आप ऐप पे ऑर्डर कर सकते हैं, चाय आपके ऑफिस में आएगी। ये बिजनेसेस है। सोचने की बात है, आपके जूते आपको लगता है पुराने हो गए, 200 रुपए में आप उनको नया बना सकते हो। शू लॉन्ड्री के बिजनेसेस जबरदस्त सक्सेसफुल है, हमें लगता है 200 रुपए हम पॉलिश ही कर लेंगे, हम तो कर लेंगे और हम कभी 200 रुपए में जूते धुलवाएंगे भी नहीं, हम भी जानते हैं। अपने बच्चों को तो पूछ के देखो, आपको पता भी नहीं चलेगा कब वो 200 दे के धुलवा के ले आया। वो आपको लगेगा अरे बड़े अच्छे मेंटेन कर रखे इसने, तो पता चला आपके पैसे से ही मेंटेन हो रहे हैं। तो ये नेक्स्ट जनरेशन है जो कर रही है। अब आप मानो आंख बंद कर लो, अंधेरा हो जाता है फिर तो आप ठीक है। घर में बाइयां चाहिए, रोज इसको बोला उसको बोला, अरे छोड़ो क्या बोलना है, एक सेकंड में ऐप पे बाई आती है, पसंद आई तो ठीक, नहीं तो वापस चौड़े होके भाई से काम करो, नहीं तो आप उसके पीछे पीछे घूमते रहते, अरे ये भी कर ले, अरे वो भी कर ले, आज जल्दी आ जाना, आज लेट कर लेना। हर चीज़ की सुविधा है और जहाँ सुविधा है वहाँ बिजनेस है, सिंपल। और ये बिजनेसेस आपको देंगे। एक बिजनेस मैं बता दूँ मुंबई में बढ़िया इंटरेस्टिंग, किसी ने मुझे आइडिया दिया कि वो चलता है। आपके दुकानों के बाहर वो बोर्ड लगे रहते ना, अब वो बोर्ड कब साफ होते? दिवाली है, साल में एक आध बार। ऐसे ऐसे लोग हैं जो महीने का 300 रुपये लेंगे, हर रोज आपका बोर्ड चमका के जाएंगे। अब महीने का 300 रुपये देने में क्या दिक्कत है? किसी को दिक्कत नहीं, बोले एक कपड़ा मार दिया, हल्का सा गीला कर दिया, बोर्ड तो चमकता हुआ अच्छा दिख रहा है। आपको ऐसी चीज़ों में बिजनेस ढूंढने हैं और बहुत सारे बिजनेसेस हैं ऐसे। जब आप, इसलिए मैं सबसे पहले चीज़ बोली कि बिजनेस करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये कॉमन सेंस, अपने आसपास सिर्फ देखिए और वहीं पे आपको ढेर सारे बिजनेस आइडियाज़ मिलेंगे। इंटरनेट से रिलेटेड कोई भी बिजनेस करो, मोबाइल से रिलेटेड कोई भी बिजनेस करो, बिजनेस से आपको सिम कार्ड बेचना है सिम कार्ड बेचो, आपको रिचार्ज करना है रिचार्ज करो मोबाइल। अच्छा हाँ, एक और चीज़, जब आपको नई नई चीज़ों के इतने बिजनेसेस हैं तो उससे ज़्यादा बिजनेस सेकेंड हैंड के हैं। अगर आपको लगता है कि नहीं नहीं मैं तो नई चीज़ों वाला नहीं करूँगा, तो मोबाइल रिपेयरिंग, सेकेंड हैंड कार्स, सेकेंड हैंड मोबाइल्स, सेकेंड हैंड गैजेट्स, इतने बिजनेसेस हैं और उसमें मार्जिन्स ज़बरदस्त हैं। हाँ, अब आपकी इज्जत थोड़ी कम हो सकती है, जो ओरिजिनल मोबाइल बेच रहा है एप्पल का और सेकेंड हैंड वाला बेच रहा है उसमें इज्जत में फ़र्क रहेगा थोड़ा सा, राइट, लेकिन पैसे हो सकता है सेकेंड हैंड वाला ज़्यादा बना रहा हो, मार्जिन एन ऑप्शन आप है। तो आपको ये सारी चीज़ें ढूंढनी है, ये सारी चीज़ें देखनी है। तो हज़ारों आइडिया हैं, और भी अगर आपको आइडियाज़ चाहिए मैं यहाँ हूँ, और भी आप मुझे पूछ सकते हैं, किसी पर्टिकुलर बिजनेस के बारे में आप पूछना चाहें तो मैं मेरी समझ से आपको बताऊँगा। तो बिजनेस से रिलेटेड मेरे ये थोड़े से थॉट्स थे, आपको अपने हिसाब से सोचना है, देखना है कि आप क्या कर सकते हैं। अब मेरा दूसरा टॉपिक उस पर आ जाता हूँ, क्या था, इकोनॉमी पर। किसको सुनने को इंटरेस्ट है? किसी को है इंटरेस्ट? सबको है। क्या सुनना चाहते हैं कि इकोनॉमी की हालत आपको पता नहीं है जो मुझे पूछ रहे हैं? मेरे हिसाब से तो बहुत अच्छी है, इस हफ्ते पांचों दिन मार्केट ने लाइफ टाइम हाई बनाया है। अगर आप लोग मेरी बात से सहमत नहीं तो आपकी मर्जी। क्या इकोनॉमी की हालत सिर्फ हिंदुस्तान में खराब है? रात इंदौरी साहब का एक शेर सुनाता हूं आपको। लगेगी आग तो आएंगे कई घर जद में, जद मतलब आसपास के इलाके में, लगेगी आग तो आएंगे कई घर जद में, इस मोहल्ले में सिर्फ हमारा मकाम थोड़ी है। तो अगर दुनिया भर में तकलीफें हैं, अगर अमेरिका जूझ रहा है, कोई यूरोप जूझ रहा है, कोई और चाइना में ढीला चल रहा है मामला, तो हम कोई मतलब अलग से हैं क्या, ऊपर से आए हैं? है तो इसी दुनिया का हिस्सा, राइट? कितने लोगों ने ऐसा मतलब होता है कि आपके घर में कोई बड़ा सीरियस सा बीमार हो और बर्थडे आ जाए, बोले नहीं हम तो पार्टी करेंगे ही करेंगे जी, ये बीमार है इसको जाना है तो चले जाए,
या मोहल्ले में किसी की डेथ हो जाए और आपके घर में शादी हो, तो बैंड तो नहीं बजाएंगे ना, शादी नहीं रोकेंगे लेकिन बैंड तो नहीं बजाएंगे, राइट? यही चीज है, दुनिया भर में सिचुएशन इस वक्त खराब. प्रॉब्लम क्या है? वो दिखती नहीं. क्यों नहीं दिखती? क्योंकि मार्केट सब अच्छे चल रहे हैं, और मार्केट जब अच्छे चल रहे हैं तो कहते ना कि कई बार क्या होता है कि सक्सेसफुल चीजें ना होती तो कई सारी अनसक्सेसफुल चीजों को डांक देती है, उसके नीचे दब जाती चीजें, दिखती नहीं है. तो दुनिया भर में जो दिक्कतें हैं वो दिक्कतें कुछ एक्सटेंट तक हिंदुस्तान में भी आनी है, आई है. थोड़ी हमने इम्पोर्ट की है और थोड़े हम बड़े होनहार लोग हैं, हमने अपनी भी पैदा कर ली. दो चीजें होती है, देखिए एक चीज को इसको बहुत सीरियसली समझिएगा. इकोनॉमी दो तरीके से चलती है, एक प्रोडक्शन बेस्ड, दूसरी कंजम्पशन बेस्ड. कंजम्पशन बेस्ड इकोनॉमी ये होती है कि आपके हाथों में बहुत पैसा दिया जाए, जाओ ऐश करो, खर्चो, मनरेगा, ये वो फलाना ढिमका, जैसे भी आपके हाथ में पैसा दिया, गए आपने खर्चा किया, कंजम्पशन, आपने कुछ खरीदा, उससे कुछ, उससे कुछ, उससे कुछ, उससे कुछ, तो वो इकोनॉमी चलती रहती है. और वो कंजम्पशन बेस्ड इकोनॉमी है आपकी बढ़िया फर्स्ट क्लास चल रही, जो कि दुनिया में आप देखेंगे तो अमेरिका की है. दूसरी है इकोनॉमी चलाने का तरीका प्रोडक्शन बेस्ड, खूब प्रोड्यूस करो, माल बनाओ, बेचो, जो करता है चाइना. कंजम्पशन बेस्ड इकोनॉमी कब तक चलेगी? जब तक हाथ में पैसा है. प्रोडक्शन बेस्ड इकोनॉमी कब तक चलेगी? जब खरीदने वाला है. हमारी इकोनॉमी 5-6 साल पहले तक हमने ये डिसाइड कर रखा था हम कंजम्पशन पे चलाएंगे, कच्चा हो या पक्का लोगों के हाथ में पैसा होना चाहिए, राइट? चाहे वो छोटे लेबर क्लास हो या बड़े बिजनेसमैन, हाथ में पैसा है तो सब खर्च करेंगे. अब अचानक से हमने डिसाइड किया, हमने से मतलब हमारी सरकार ने, उसमें हम सब, चूंकि सरकार हमारी तो हम ही हैं, तो हम प्रोडक्शन बेस्ड इकोनॉमी में जाएंगे. फालतू बिना मतलब के पैसे, ये कच्चा पक्का, ये फालतू का पैसा बांटना, ये नहीं. प्रोड्यूस करो, प्रोडक्शन बढ़ाओ, बिजनेस बढ़ेगा. अगर आप ये समझिए कि आप हवा में उड़ रहे हैं, प्लेन में आपका एक इंजन काम कर रहा है, और आप ये सोचिए यार ये इंजन बंद करके दूसरा वाला चालू करता हूँ, ठीक है, एकदम सेम टाइम पे दोनों कर लूँगा. अब हो गया तो आपका नसीब, नहीं हुआ तो ये आपकी हालत अभी वही है. अब ऐसा नहीं है कि क्रैश लैंडिंग हो गई और आपका प्लेन टूट गया और अब कुछ वापस हो नहीं सकता, लेकिन होता है कि एक इंजन से दूसरे इंजन पे जब आप शिफ्ट करते हैं तो ये इंटरमिटेंट प्रोसेस है प्रॉब्लम की, ये प्रॉब्लम है. तो ये प्रॉब्लम सॉल्व होने में एक टाइम लगता है, कि आपका एक इंजन जो एकदम गर्म है उसको आपने बंद कर दिया, वो धीरे धीरे ठंडा हो रहा है, और एक इंजन जो बंद पड़ा था वो अभी गर्म होना शुरू हुआ है, वो कब वापस फुल फ्लेज अपनी ताकत फेंकेगा और कब इकोनॉमी चलेगी वो मुझे पता नहीं, आपको भी नहीं पता. तो ये जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस को हमें झेलना है जब तक ये नहीं होता. लेकिन इतना आप निश्चिंत मानिए कि इकोनॉमी चलेगी और अच्छे से चलेगी, आज नहीं तो कल. अब वो कल मतलब, कल मतलब कल 21 तारीख है या 21 तारीख है तो कौन से महीने और कौन से साल की है. तो पॉइंट सिंपल ये, इसलिए इस वक्त दूसरी चीज, एक और चीज है, ये तो बात हुई जो हमारी इकोनॉमी और सरकार की है. दूसरी चीज जिस वजह से हम ज्यादा दुखी है आजकल, हमारे पास पैसे नहीं है, नहीं है ना कि हैं आप लोगों के पास पैसे? किसके पास पैसे की कमी है? सबके पास कमी है. पैसे नहीं होना और वेल्थ नहीं होना में फर्क है. आपके पास वेल्थ नहीं है ऐसा बिल्कुल नहीं है, वेल्थ सबके पास है, लिक्विडिटी नहीं है, दोनों में बड़ा फर्क है. क्यों नहीं है? अब आप जरा इंट्रोस्पेक्शन कर लीजिए, किसके लिए आप कितने जिम्मेदार हैं और कोई और कितना जिम्मेदार है. आपको किसने बोला था 5 फ्लैट खरीदो? आपको किसने बोला था 25 प्लॉट ले लो? आपको किसने बोला था फैक्ट्री छोड़ के रियल इस्टेट का बिजनेस चालू कर दो? प्रॉब्लम एक ही है, इस देश में जब तक रियल इस्टेट नहीं बिकेगी लोगों की तब तक तेजी आएगी नहीं. मैंने ये सोच के लिया था कि
ये भाई साहब है ना, इनसे मैं ले लेता हूँ, इनके पास में जो अशोक जी बैठे ना, ये किसी दिन आके मुझे छुड़ाएंगे, मैं इनसे एक में लेके सवा में अशोक जी को दे दूंगा। अब अशोक जी आते ही नहीं, तो प्रॉब्लम यही। अब भाई अगर आप ओवर एक्सपांशन करेंगे, ओवर इन्वेस्टमेंट करेंगे, तो आपकी लिक्विडिटी जाम होनी है। आप ये तो सोच के चलो कि अगर हर हर बार इसी तरह से प्रॉपर्टी बढ़ती रहेगी तो वो तो होने वाला नहीं है। और सबकी समस्या एक ही जगह, चाहे वो छोटा बिजनेसमैन हो या बड़ा बिजनेसमैन हो या सैलरीड क्लास पर्सन हो या प्रोफेशनल हो, सबके पैसे फंसे हुए हैं रियल एस्टेट में। कम से कम मुंबई की जहाँ मैं ज़्यादा जानता हूँ, यहाँ का मुझे ज़्यादा पता नहीं, लेकिन मैक्सिमम लोगों का हाल यही है। और जब तक और अब मैं आपको ये बता दूँ, जो मैंने आपको एक अच्छी सिल्वर लाइनिंग दी कि इकोनॉमी का दूसरा इंजन चल जाएगा, अच्छा हो जाएगा, अब मैं आपको है ना रियल इस्टेट की रियलिटी पे ले आता हूँ। ये 5 साल नहीं चलने वाला है, आपको कोई नहीं छुड़ाएगा, ये भूल जाए। अगर आपके दिमाग में कहीं ये बैठा हुआ है कि आज जो मेरा 10 लाख रुपए का प्लॉट है वो 5 साल बाद 20 लाख रुपए में बिक जाएगा और उसके बाद मैं ये कर लूँगा, तो आप मुंगेरी ला लें 100%। अगर हो गया तो आपका नसीब, और अगर आपका नसीब इतना ही स्ट्रॉन्ग होता तो आप लेते थोड़ी थे पहले। किसी ने तो चिपकाया ना। जो सोचना है ये सोच के करो, या तो आज के भाव में बेचना है तो ठीक, अगर आज के भाव में नहीं बेचना तो आपका बिकेगा नहीं इसके ऊपर के भाव में, और उसके ऊपर के भाव में नहीं बिकेगा वो सोच के 3 या 5 साल बाद की आपको प्लानिंग जो करनी है वो करो, तो आप बिजनेस में सुखी रहोगे। आप ये सोचते हो 5 साल में मेरा प्लॉट डबल हो जाएगा, तब मैं बेच दूंगा, तब मैं ये कर लूंगा वो कर लूंगा, ये छोड़ दो, या तो फिर आज बेच दो जिस भाव में बिक रहा है। तो प्रॉब्लम आपके अनप्रोडक्टिव एसेट्स में, गोल्ड की बात अभी भाई साहब ने की, अनाप शनाप, आप जो सर बोल रहे थे ना कि बॉन्ड क्यों नहीं खरीदते, रीज़न वो नहीं है जो भाई साहब ने बोला कि घर वाले खरीदने नहीं रहे, रीज़न दूसरा है। किसने चेक में लिया है भाई, उधर तो चेक लगता है ना बॉन्ड, मोदी जी को तो चेक चाहिए बॉन्ड फंड में, यहाँ तो सबके कच्चे का है, फैक्ट है ये, इसलिए नहीं हो रहा। और कोई बड़ी बात नहीं है कि सोना खरीदना जितना आसान है इस वक्त, मैं आपको बहुत, मैं कई बार ये ना फाइनेंस मिनिस्ट्री में बोल चुका हूँ, अगर किसी आदमी को हिंदुस्तान, आप बोलते फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट करो, ये करो वो करो, बॉन्ड में डालो, इक्विटी में डालो, म्यूचुअल फंड में डालो, शेयर खरीदो, 500 रुपये का म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना है, 100 रुपये के शेयर खरीदने हैं, 1000 रुपये का बॉन्ड खरीदना है, पूरी आपकी जन्मपत्री चाहिए, पैन कार्ड से लेकर आधार कार्ड से लेकर ये अता पता वो, और HUF हो तो नेटवर्क सर्टिफिकेट और क्या क्या नहीं, 5 लाख 50 लाख 5 करोड़ का सोना खरीदने के लिए कुछ लगता है पेपर? लेवल प्लेइंग फील्ड कहाँ है? अगर आपको पैसा फाइनेंशियल एसेट्स में मूव करना है तो फिजिकल एसेट्स और फाइनेंशियल एसेट्स के बीच का जो इम्बेलेंस है वो बंद करना पड़ेगा ना। बहुत छोटा सा एक बहुत आसान तरीका, कुछ नहीं करना है, हर ज्वेलर्स वाले के घर वहाँ पे कैमरा लगा दो, लगा हुआ है कैमरा तो सबके यहाँ लगा, बस रिकॉर्डिंग मंगवा लो हर महीने में, कौन कौन गया है, किसने कच्चे में खरीदा, कितने में पके गए, सब पता चल जाएगा। पॉइंट ये है कि जब आप पक्के में खरीदने के लिए किसी को प्रोत्साहित ही नहीं कर रहे, रास्ते बंद कर रहे हैं, तो फिर दिक्कत होगी। इसलिए पैसा गोल्ड और प्रॉपर्टी में जाता है। मुझे नहीं लगता है कि आज तक हिंदुस्तान में या आप में यहाँ पर किसी कोई भी आदमी बैठा है जिसने गोल्ड या प्रॉपर्टी में नुकसान किया, किसी ने किया है क्या? नहीं किया ना। क्यों नहीं किया? क्योंकि आप नुकसान में बेचते ही नहीं है, और नुकसान में तो बेचने का मन ही नहीं करता, लेकिन इक्विटी में सबने किया ना नुकसान, सबने किया। क्यों? क्योंकि यहाँ नुकसान होता तो बेचने का मन करता है, खरीदने का नहीं करता, भाव से नीचे आ गया तो बेच दो बेच दो। गोल्ड नीचे आता था तो और लूँगा, प्रॉपर्टी नीचे आ गई तो 5 साल नहीं बेचूंगा, मैं नहीं बेचूंगा, मेरे बच्चे बेचेंगे, तो आपके कॉन्सेप्ट ही अलग है। इन्वेस्टमेंट के बेसिक प्रिंसिपल्स के आप अगेंस्ट हैं तो फिर किसी एसेट क्लास में पैसा कैसे बनेगा? और दूसरी बात, अगर आपके पास 100 रुपये की बचत है, 100 रुपये में आपके है ना 70-75-80 तो लगे हुए प्रॉपर्टी में, बाकी 15-20 रुपये जो 25 रुपये जो हैं वो लगे हुए आपके गोल्ड में, इक्विटी में लगे हैं 2 रुपये या 3 रुपये या ज़्यादा से ज़्यादा 5 रुपये, लेकिन सुबह शाम दिन रात टेंशन वो 5 रुपये की है, वो 95 रुपये में कमी हो रही नहीं हो रही, वो कुछ नहीं, वो तो हो ही जाएगी हम मान के चलते हैं, लेकिन ये जो 3 रुपये के शेयर ले लिए ये रोज़ मेरा BP ऊपर नीचे कर देते हैं,
तो थोड़ा आपको चीज़ों को ओवरऑल देखना पड़ेगा। तो इकोनॉमी की सिचुएशन में सिंपल यही है कि मान के चलें आपको इस वक्त दो तरह के लोग मिलेंगे हिंदुस्तान में। कुछ लोग ऐसे हैं जो बहुत खुश हैं, जो कहते हैं कि इससे बढ़िया टाइम नहीं है बिजनेस करने का, इकोनॉमी बहुत बढ़िया चल रही है। और कुछ लोग ऐसे हैं जो बहुत दुखी हैं। ट्रेडिशनल तरीकों से बिजनेस करने वाले लोग दुखी हैं क्योंकि चीज़ें बदल गई। अगर आपको हार्डवेयर सैनिटरीवेयर की शॉप खोलनी है, मंगवाना है सामान, बेचना है, वो टाइम ही जा रहा है अब धीरे धीरे। अब हर आदमी ऑनलाइन मंगाना पसंद करता है। अगर हर चीज़ पक्के में लेनी है तो फिर मैं शॉप पे क्यों जाऊँ? रिटर्न करने की फैसिलिटी है। मेरी प्रॉब्लम अभी भी लाइफ में कि जब तक जूता पहन के चल के ना देखूँ या शर्ट या टी शर्ट खरीद रहा हूँ तो पहनूँ ना, तब तो मुझे कम्फर्ट नहीं आता। और मेरा बेटा ऑनलाइन मंगवाता है तो मैं बोलता हूँ क्या, अरे पापा क्या है, घर पे चेंज करके देखेंगे ना, घर पे पहन के देखेंगे, नहीं पसंद आया बेच देंगे। हमारी माइंड सेट ही नहीं, वो नहीं है तो परेशान मैं हूँ, दुखी मैं हूँ, अपना टाइम वेस्ट करता हूँ। जाऊँगा चार शोरूम में घूमूंगा, वापस ऐसे ही आ जाऊँगा। और मेरा बेटा आराम से चार जगह ऑर्डर डालता है, खटखट कर 15 मिनट में शॉपिंग की, 20 आ गए, उसको मालूम है 20 आ रहे हैं, उसमें से 18 रिटर्न करने। उसमें ऐसे में ऐसे केसेस में अशोक भाई को बहुत फ़ायदा है, लॉजिस्टिक वालों को। रिटर्न करे तो भी फ़ायदा और खरीदे तो भी फ़ायदा। तो पॉइंट सिंपल ये कि चीज़ें जो बदल रही है, लोगों की काम करने की हैबिट बदल रही है, अगर आप उसके साथ अपने बिजनेस को अलाइन नहीं करेंगे तो आपको मुश्किल आने वाली। तो मेरा ये मानना है कि तेज़ी मंदी हर वक्त रहती है, हर वक्त मार्केट में। आज जब इंडेक्स 52 वीक हाई पर ट्रेड कर रहा है, लाइफ टाइम हाई पर, 52 वीक आई नहीं, लाइफ टाइम हाई पर मार्केट है, तब भी मैं आपको आज जरा देख लीजिएगा कल सुबह की भाव कॉपी, 50 स्टॉक आपको ऐसे मिलेंगे जो लाइफ टाइम लो पर ट्रेड कर रहे हैं। और जब लाइफ टाइम लो पर मार्केट होता है तब भी 50 शेयर आपको ऐसे मिलेंगे जो लाइफ टाइम हाई पर है। सेम सिचुएशन आपके बिजनेस की है, सेम सिचुएशन इकोनॉमी की है। अच्छे समय में भी खराब बिजनेस होता है, खराब समय में भी अच्छा बिजनेस होता है। आपको डिसाइड करना है कि आपको कैसे सोचना है और कैसे करना है। बस यही मैं कहना चाहता था। आई होप कि आप गुजरात की, कच्छ की जो आन बान शान है उसकी मर्यादा को रखते हुए बहुत बेहतरीन बिजनेस करें, बहुत सक्सेसफुल हो, ये मेरी शुभकामनाएं है। अब आपके अगर कोई सवाल है किसी भी तरह, मैं आपको पहले बता दूं किस तरह के सवाल आप मुझसे पूछ सकते हो। मेरे से आप वही सवाल पूछ रहे जिसके जवाब आप सुनने को तैयार हों। आप कोई भी किसी भी तरह का कोई भी आपका सवाल है, निसंकोच पूछिए, बिना किसी शंका शर्म के आपको जो पूछना है पूछिए, एकदम खुल के। जी बहुत बढ़िया है, आपने सवाल किया है, ये बिजनेस आइडिया है या स्टॉक आइडिया? मैं तो सिंपल एक ही चीज करता हूं, अगर मैं अमेरिका में गया और $300 लिए डिज्नी वाले ने, मेरी तो जान ही जल गई, साला इतना लूट रहा है, अब तुरंत जाके कल इसका शेयर खरीदूंगा। मेरा गुस्सा तो ऐसे नहीं करूँगा, पिज्ज़ा के ₹500 जुबिलेंट फूड खरीदूंगा ही खरीदूंगा। ये देखो बिजनेस प्रॉब्लम क्या है, जो आदमी हिंदुस्तान में शेयर खरीदकर शेयर बाजार से पैसा कमाना चाहता है वो बेवकूफ़ है, वो कभी नहीं कमा सकता। आदमी वही पैसा कमाएगा, वही सक्सेसफुल इन्वेस्टर बनेगा जो शेयर नहीं खरीदना चाहता, उस बिजनेस को खरीदना चाहता है। अगर आज मेरे पास मुकेश अंबानी जितने पैसे होते तो क्या मैं रिलायंस इंडस्ट्री लगाता? क्या आज मेरे पास HDFC बैंक जितने पैसे होते तो क्या मैं HDFC बैंक बनाता? क्या आज मुझे जुबिलेंट फूड चलाने जैसे पैसे होते तो क्या मैं पिज्ज़ा का बिजनेस करने के पैसे होते तो क्या मैं वो करता? अगर आप इस तरीके से सोच रहे हैं और फिर अगर उस बिजनेस को खरीद रहे हैं तो आपको पैसे बनाने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन आप जब शेयर खरीदते ना तो आपको 1600 में लेना है, 1700 में बेचना है, तो वो एक नंबर है। कभी आपने सोचा है कि मैं अदानी जी का पार्टनर बनूं, मैं अंबानी जी का पार्टनर बनूं? वो तो बनाएंगे नहीं, तरीका तो है ना स्टॉक मार्केट, खरीदिए आप रिलायंस, खरीदिए अदानी, आप बन सकते हैं पार्टनर। तो जब आप ये सोच रखेंगे
कि ये बिजनेस बहुत अच्छा है, मैं इस बिजनेस में पार्टनर बनना चाहता हूँ, तब मैं शेयर खरीदूँ। तो ज़रूरी नहीं कि आप बिजनेस करने के जो मैं आइडियाज़ दे रहा हूँ आप वो उतना बिजनेस कर पाए, हर एक की कैपेसिटी नहीं है, आपकी एनर्जी नहीं है, आपकी एक्सीलेंस नहीं है उस चीज़ में, तो आप अच्छे बिजनेस आइडेंटिफाई कीजिए। वॉरेन बफे कभी जिंदगी में कोई बिजनेस नहीं किया, दुनिया के सबसे अमीर आदमी बने ना सिर्फ इन्वेस्ट करके, तो आप अच्छे बिजनेस इन्वेस्ट करके आप बड़ा आदमी बन सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। जी और कोई सवाल? जी हाई सिंपल आपको कितना पैसा बनाना है ये आपको पता होना चाहिए। सिंपल, बेचना कब है ये भी एक आर्ट है। आर्ट ये है जब आपको है ना बेचना हो तो आपको सबसे पहला सवाल आपको अपने आप से ये करना चाहिए कि मुझे बेचना क्यों है। कोई शेयर मैंने खरीदा तो मुझे बेचना क्यों है? क्या मुझे पैसे चाहिए इसलिए बेचना है? क्या मुझे मार्केट खराब लग रहा है इसलिए बेचना है? क्या मुझे ये कंपनी खराब लग रही है इसलिए बेचना है? या इसका भाव इतना ज्यादा बढ़ गया इसलिए बेचना है? ये चार ही कारण है। तो पहला कारण पैसे चाहिए इसलिए बेचना है, तब तो आपके पास ऑप्शन ही नहीं है, तुरंत प्रभाव से बेच दीजिए, भाव देखिए भी मत, क्योंकि आपने पैसा इन्वेस्ट इसीलिए किया क्या आपकी जरूरत में काम आए, राइट? और आप जरूरत है तो फिर क्या सोचना, बहुत सिंपल है। दूसरा, अगर आपको लगता है कि मेरी जो कंपनी जिसमें पैसा लगाया उसका बिजनेस खराब नहीं है लेकिन बहुत बढ़ गया इसलिए, या मार्केट बहुत बढ़ गया इसलिए, ये बेचने का रीज़न सही नहीं है। आप कौन है डिसाइड करने वाले कि मार्केट को कितना बढ़ना चाहिए? आप कौन है डिसाइड करने वाले शेयर को कितना बढ़ना चाहिए? तो आपके बेचने का फॉर्मूला ये कभी नहीं हो सकता कि बहुत बढ़ गया इसलिए बेचना है। बेचना तभी है जब आपको लगता है कि मेरी कंपनी जिस स्टॉक में मैंने पैसा लगाया है वो खराब करना शुरू कर रहा है, मैंने जो सोच के लगाया था वो वैसा काम नहीं कर रहा है, तब तो ठीक है, तब तो आपको एग्जिट कर लेना चाहिए, अदरवाइज नहीं बेचना चाहिए। जी आजकल लिक्विडिटी है ना सबसे ज्यादा एक ही जगह दिखती है, कहाँ? आंखों में काश इतना आसान फॉर्मूला होता। देखिए, मैं जब ये ILFS वाला केस हुआ था, NBFCs की सारी समस्याएं आई, मैं फाइनेंस सेक्रेटरी से मिला, मैंने उनको एक चीज़ समझाई, आप और हम हर वक्त ऑक्सीजन ले रहे हैं, ले रहे हैं ना, सांस चल रही है हर सेकंड, दिख रही है कहीं ऑक्सीजन, नजर आती है? नहीं। अगर ऊपर वाला 2 मिनट के लिए ऑक्सीजन की सप्लाई बंद कर दे तो सब निपट गए, हम सब एक साथ। ये ऑक्सीजन ऐसी चीज है जो दिखती नहीं लेकिन हम हर वक्त कंज्यूम कर रहे हैं। लिक्विडिटी फाइनेंशियल मार्केट की ऑक्सीजन है जो दिखती नहीं है लेकिन वो सिस्टम में हर वक्त होती है, और जब नहीं होती है तो तुरंत बेचैनी होने लगती है। आप जैसे आपको बिना ऑक्सीजन या बिना सांस के बेचैन होते हैं, वैसे ही फाइनेंशियल मार्केट बिना लिक्विडिटी के बेचैन होता है। तो फाइनेंशियल मार्केट को जिंदा रखना और उसको मजबूत रखने का पहला फॉर्मूला और एकमात्र फॉर्मूला यही है। मैं उनको समझा के आया था, मुझे नहीं पता कितना समझे नहीं समझे, अगर आप अभी भी सवाल पूछे तो इसका मतलब पूरा समझे नहीं। तो पॉइंट सिंपल है, लिक्विडिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन लिक्विडिटी कैसे क्रिएट की जा सकती है? लिक्विडिटी क्रिएट करने का अपना अपना फॉर्मूला है। आपके बिजनेस में आपको कितनी लिक्विडिटी चाहिए वो आप ही डिसाइड कर सकते हैं और आप ही तय कर सकते हैं कैसे बनेगी। मैं आम तौर पर, लेकिन मैं एक इंडिविजुअल आदमी के लिए कैसे लिक्विडिटी क्रिएट की जा सकती है उसका फॉर्मूला दे सकता हूँ। अगर आप बिजनेस में भी हैं या आप समझिए सैलरी में, आप जॉब करते हैं सैलरी लेते हैं, आमतौर पर हमारी आदत होती है ना कि हम घर में 25-50 हज़ार लाख रुपए, दो अपनी अपनी कैपेसिटी के हिसाब से हर आदमी थोड़ा पैसा रखता है, और कभी भी कोई ज़रूरत पड़ जाए थोड़ा पैसा बैंक अकाउंट में भी रखेगा। जैसे भाई साहब कह रहे थे लिक्विड फंड में डालने के बजाय आप बैंक अकाउंट में रखते हैं, क्यों रखते हैं? अरे कभी भी जरूरत पड़ेगी, तो ये कभी भी जरूरत के चक्कर में हम पैसा रखते हैं।
अब तक आपको सारे लोग ऐसे ही मिले होंगे जो ये बोलते हैं कि क्रेडिट कार्ड मत इस्तेमाल करो, उधार मत लो, बोलते हैं ना, सही बोलते हैं। मैं आपको कहता हूं कि जितने क्रेडिट कार्ड मिलते हैं उतने ले लो, जितने मिलते हैं, ठीक है। हर क्रेडिट कार्ड आपके पास होना चाहिए, हर एक की पिन आपके पास होनी चाहिए, लेकिन उसको इस्तेमाल नहीं करना है। इस्तेमाल करना है कब? जिस दिन अचानक आपको किसी चीज़ की लिक्विडिटी की जरूरत पड़ जाए, कि अचानक से हाथ पैर टूट गए, हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ा, क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल कर लिया, 3% ही लगेगा ना कैश, कहीं से विड्रॉ किया कैश 3% लगेगा। मुझे बताओ पिछले 10 साल में कितनी बार आपको ऐसी इमरजेंसी आई है? एक भी बार नहीं आई किसी को। लेकिन उस इमरजेंसी के चक्कर में हम इतना पैसा अपने आप पास रखते हैं कि अचानक जरूरत पड़ गई तो आप रखिए ना 5 क्रेडिट कार्ड, हर ATM में जाके घुसाइए, 25-25 हज़ार रुपये निकाल लीजिए, लियो हो गए 1.5 लाख रुपये आपके हाथ में। लाइफ में एक बार अगर आपने क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल किया, 3% चार्ज दे भी दिए, तो कौन सा लुट जाएंगे। लेकिन उस लिक्विडिटी को रखने के चक्कर में आप है ना फालतू में पैसा ब्लॉक करके रखे हो। तो मैं हर इंडिविजुअल को ये कहूँगा कि फालतू में आप घर में पैसा या अपने बैंक अकाउंट में मत रखिए, उसको इन्वेस्ट कर दीजिए, चाहे लिक्विड फंड में करें, शॉर्ट टर्म फंड में करें, इक्विटी में डालें, जैसे डालें। शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी के बहुत सारे तरीके हैं, हर क्रेडिट कार्ड पर चाहिए जितना पैसा मिल जाता है ले लीजिए। ज़िंदगी में एक आध बार आपने क्रेडिट कार्ड पर ले लिया है पैसा, उस पर आपको पेनल्टी लग भी गई, ज़्यादा 3% का ब्याज देना भी पड़ गया, तो क्या फ़र्क पड़ता है एक आध महीने 5-7-10 दिन के लिए। तो वो तरीका है जो इंडिविजुअली लिक्विडिटी क्रिएट की जा सकती है, वो तरीका बिजनेस में शायद एप्लीकेबल ना हो। बिजनेसमैन को तो अपने हिसाब से देखना पड़ेगा कि वो किस तरह से कर सकते हैं। जी वो तो मोदी जी बताएंगे, आप या तो मुझे वोट दो। दो तरीके से आप कर सकते हैं। पहला, आपका अपना भरोसा होना चाहिए कि 5 ट्रिलियन की होगी, और दूसरा, अगर आपका भरोसा है तो उस भरोसे पे आप काम करें। मेरा भाषण सुन के नहीं बनेगी, ये तो देश का 1 घंटा मैंने खराब ही किया है जितने लोग यहाँ बैठे हैं। पॉइंट सिंपल है, देखिए कब बनेगी कैसे बनेगी इसका फॉर्मूला किसी के पास नहीं है। मेरे पास एक फॉर्मूला है कि जो काम मुझे करना है क्या मैं ढंग से कर रहा हूँ, मेरा कॉन्ट्रीब्यूशन अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए जो होना चाहिए क्या मैं वो कर रहा हूँ। अगर मैं अपना काम ठीक से कर रहा हूँ तो सब 5 ट्रिलियन या 50 ट्रिलियन भी हो जाएगी भाई साहब, बस आप अपना काम ढंग से कर लो। जी अशोक भाई कब बंद करना है बता दीजिएगा। हाँ जी, मैं तो एक्सपर्ट हूँ ही नहीं। जी पूछिए। हाँ देखिए, आपका सवाल आपने सुना नहीं होगा, मैं बता रहा हूँ, इक्विटी बढ़िया है या गोल्ड बढ़िया है, ये सवाल है। हाँ आप ही। हाँ, एप्पल बढ़िया है या ऑरेंज, सैमसंग बढ़िया है या एप्पल। देखिए ये इंडिविजुअल चॉइस है। पॉइंट क्या है, मैं आपको बोलूँ बादाम का दूध बहुत अच्छा है, रोज आप पियो, रात को बड़ी गिलास भर के एकदम बढ़िया, और सुबह आपको लूज मोशन हो जाए तो आपका डाइजेशन सिस्टम बादाम के दूध के लायक नहीं है, तो वो बादाम का दूध आपके लिए जहर है, दूध नहीं। पॉइंट सिंपल है कि आपको क्या सूट करता है, जो आपको सूट करता है वही सबसे सही है। अगर आपको लगता है कि भाई मैं इक्विटी की वॉलेटिलिटी ऊपर नीचे ये नहीं देख सकता, मुझे आप पूछोगे आंख बंद कर कभी, मैं तो हमेशा इक्विटी बोलूँगा, क्योंकि मैं तो ज़िंदगी में आज मैंने करियर बनाया तो इक्विटी से, मैंने पैसा बनाया तो इक्विटी से, और आज भी मेरी लाइफ टाइम का हाइएस्ट एक्सपोजर मेरा इक्विटी मार्केट में, अब तक का हाइएस्ट, तो मुझे तो यही आता है, और मुझे तो बहुत स्ट्रॉन्ग बिलीव है कि गोल्ड से ज़्यादा पैसा मैं बनाता हूँ, बनाया भी और आगे भी बनाऊँगा। लेकिन अगर आप इक्विटी लेकर परेशान हो जाते हैं, रोज़ सुबह शाम भाव देखकर ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, और अगर आपके घर वाले ये समझते हैं आप इक्विटी मार्केट में ट्रेड कर रहे हैं, दोस्त ये समझते हैं आप इक्विटी में ट्रेड कर रहे हैं, तो आपका कैरेक्टर लूज है। हाँ ऐसे भी होता है, ये ट्रेडिंग करता है इसका कैरेक्टर लूज है, तो या आपकी गर्लफ्रेंड को पता चले कि आप इक्विटी में शेयर मार्केट वाले की यहाँ नौकरी करते हैं तो वो आपके पास आना ही बंद कर दे, ऐसे भी केसेस हैं। तो आपको क्या सूट करता है वो आपको देखना है।
अगर आपको इक्विटी की वॉलेटिलिटी, इक्विटी की जो ऊपर नीचे होने की या रिस्क जो है वो आपको झेलने की ताकत नहीं है तो प्लीज इक्विटी मत करिए, आप गोल्ड ही करिए, प्रॉपर्टी करिए। लेकिन करने का तरीका है, तरीका ये है कि जो चीज़ आपको नहीं आती, भाई सिंपल चीज़, बुखार हो गया, सर्दी जुकाम हो गया तो विक्स ले लोगे, विक्स एक्शन 500 ले लिया, क्रोसिन पैरासीटामोल ले लिया, लेकिन उससे ठीक नहीं हुआ तो आप डॉक्टर के पास जाओगे, डॉक्टर आपको खांसी की वो तीन चार तरह की लाल पीली नीली दवाइयाँ तीन चार दे देगी, दो तीन दिन तक आप वो लोगे, उसके बाद फिर भी ठीक नहीं हुआ तो कोई बड़े सर्जन उसके स्पेशलिस्ट के पास जाओगे, ठीक है, फिजिशियन के पास, वो आपको 10-12 जांच करवा देगा और फिर वो बताएगा क्या हो गया क्या नहीं हो गया। सिंपल इक्विटी में भी यही फॉर्मूला है, आपको लगता है आपको खुद से गोली खाकर नहीं होना, खुद से शेयर खरीद के पैसे नहीं बन रहे, किसी आपके कच्छ में या गांधीधाम में जो आपका एडवाइज़र है उससे पूछ लो, और उससे भी नहीं बन रहे तो उससे बढ़िया और मुंबई में कोई होगा उससे पूछ लो, उससे भी नहीं बन रहे हैं तो फिर बढ़िया है म्यूचुअल फंड में डाल दो, दिमाग क्यों लगाना है। SIP सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, दुनिया का 8वां अजूबा है, 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड। TIP लेना छोड़िए, SIP करना शुरू कीजिए, नो टिप ओनली सिप, सिंपल। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।